चलें काम शुरू करें। ठीक है बच्चों, ये एक प्रैक्टिस सेशन है, गौरपूर्वक देखिए। आप लोगों को मैं इन्वॉल्व करूंगा और आप उसमें जवाब देना मुंह बंद करके, मतलब मुंह बंद करके मेरा दिमाग मत सड़ाना, मतलब आप उसमें जवाब देना। ये नहीं कि खड़े के हाँ सर क्या सर, हाँ जो आप पूछ रहे हैं सर अच्छा ही पूछ रहे होंगे लेकिन मुझे नहीं मालूम है, तो ऐसा मत करना। ठीक है जवाब देना है। प्यारे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे सरकार, आपसे कहता है कि 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन्स, 1 मोल मीथेन में क्या उपलब्ध है। तो जरा देखिए 1 मोल मीथेन का मतलब, जरा गौर पूर्वक देखना, 1 मोल मीथेन का मतलब कितने मीथेन, 6.023 मीथेन। पक्का ना? तो हमसे पूछ रहा है इतने एटम, नो पक्का ना, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल मीथेन के हैं उसके 4 गुना ज्यादा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि मीथेन के 1 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, तो 2 में कितना हो जाएगा, तो इतने में कितना हो जाएगा, इनटू 4। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो कितना होगा, 6.023 इनटू 4। पक्का ना? ठीक है देखो, बट बच्चों मेरे ध्यान से देखना, ऑप्शन में तो ये नहीं दिया है इसलिए ये क्या हो गया, अगर यहां देखें 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, यस ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, ग्राम एटम का मतलब कुछ और नहीं, ग्राम एटम का मतलब मोल ही होता है, बोलो हाँ। तो मीथेन का कितना मोल आया, 1। तो 1 मोल मीथेन में, जरा देखो 1 मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, तो 1 लाख मीथेन में 4 लाख हाइड्रोजन होगा, 1 करोड़ मीथेन में 4 करोड़ में हाइड्रोजन होगा, तो 1 मोल मीथेन में 4 मोल हाइड्रोजन। पक्का ना? 4 मोल इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 4 ग्राम एटम, तो ये क्या हो गया, करेक्ट। इधर देख लीजिए इतना मॉलिक्यूल, ये तो इनकरेक्ट, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन इज हाउ मच, अगले में 3 ग्राम ऑफ कार्बन, नो मीथेन का 1 मोल, मोल दिया है मास चाहिए, क्या करूं क्या करूं, तो मोलर मास कितना है, 16, और मोल कितना है, तो इसका मास कितना आ गया, इस 16 ग्राम में कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, तो 1 मोल मीथेन में कितना ग्राम कार्बन, और कह कितना रहा है, इसलिए भी गलत हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। डू यू हैव एनी क्रॉस क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में कहता है कि 20 ग्राम ऑफ एन एसिड फर्निस्ट, फर्निस्ट का मतलब होता है रिलीज, दिया 0.5 मोल ऑफ H3O+ हाइड्रोनियम आयन, पानी के अंदर प्रोटॉन कभी भी प्रोटॉन के फॉर्म में नहीं रहता है, वो तुरंत ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। पक्का ना? तो हाइड्रोनियम आयन मींस प्रोटॉन एसोसिएटेड विथ वाटर, इन वाटर प्रोटॉन नेवर एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एच आयन, इट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो कहता है इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द एसिड, द वैल्यू ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द एसिड। तो ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको सिखाया नहीं है, समझे क्या, पक्का ना? तो नेक्स्ट पे चल दे, इक्विवेलेंट रेट अभी नहीं पढ़ाया ना, ठीक है आगे चलते हैं। देखिए द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इज इन, चलिए आप करके दीजिए इसको, आपके पास टाइम है टोटल 60 सेकेंड। साहिल बाबू थोड़ा इधर ही, कुणाल भाई ऑप्शन ए आंसर आ गया, बाकी लोग दीदी छुस्मा जुड़ भाई, पक्का अमन भाई दिखाई नहीं दे रहा, ले लो बिल्कुल ले लो,
एकदम अपना काम। लास्ट 30 सेकेंड। स्टॉप, अब मत करना। कितने लोग आ गए हैंड रेस करिए? बहुत सारे लोग आ गए। चलो देखो हमसे क्या कह रहे हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। भैया अगर मोल ज्यादा होगा तो बाबूजी मॉलिक्यूल उसके क्या होंगे? मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो 18 ग्राम 36 डिवाइडेड बाय 18, 18 दूनी 36, इसके कितने मोल आ गए? 2। पक्का ना? यहाँ 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड के मोलर मास 28 ही होता है, कितने आ गए? 1। इथाइल अल्कोहल, रुको आप लोग कोरस मत बोलिए, मैं बोलता हूँ। इथाइल अल्कोहल जरा देखिए, 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, 12 दूनी 24 और 6 30, 10 40 46, यानी कि ये भी कितना आ गया? डिवाइड बाय 46, 1। और यहाँ जरा देखो 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, एक नाइट्रोजन का 14 दूनी 28, पक्का ना? प्लस 16 पंचे 80, 108, बोलो हाँ। 54 डिवाइड बाई 108 दो बार जाएगा, 1/2.5। तो किसके मोल सबसे ज्यादा आ गए? वाटर के मोल 2 आए, और कार्बन मोनोऑक्साइड के, और इथाइल अल्कोहल के, और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के। तो जिसका मोल ज्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। दैट्स इट। आगे हमसे कहता है एन आयन रिड्यूस टू एन एलिमेंट व्हेन इट एब्जॉर्ब। खूब ध्यान से सुनना, एक आयन है जो किसमें रिड्यूस हो जा रहा है? एक एलिमेंट में, ठीक है। कब? जब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ले ले रहा है, यानी कि कितने मोल ले रहा है। अगर मोल पता लगाना हो तो 6×10^20 डिवाइडेड बाय 6.023×10^20। रफली कैलकुलेशन करेंगे 10^-0.001। बोलो हाँ। तो यानी कि 0.001 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है कोई, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? एलिमेंट। मतलब समझे क्या? जैसे देखो A+3 है, चुपचाप सुनना, 3 इलेक्ट्रॉन लिया और Al बना लिया, पक्का? तो इसके एक मोल ने 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना दिया? एलिमेंट। पहले क्या था? आयन, बाद में क्या हो गया? एलिमेंटल फॉर्म में। जैसे Mg+2 था, ये आयन है, अगर ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बना देगा? Mg, पक्का ना? जैसे Na+ है, अगर ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बना देगा? पक्का ना? तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये सब क्या है? आयंस। और राइट हैंड साइड पे क्या हो गए? अब क्वेश्चन पढ़ना, एन आयन इज रिड्यूस टू एलिमेंट, एक आयन है जो रिड्यूस कर दिया जा रहा है एलिमेंट में, ठीक है। आगे कहता है When it absorbs इतना इलेक्ट्रॉन, जब वो कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? इतना। देखो 3 मोल इलेक्ट्रॉन लिया था ये, बोलो। तो हमसे कह रहा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द आयंस। तो हमें आयंस का क्या पूछ रहा है? इक्विवेलेंट। अच्छा, तो इक्विवेलेंट वेट अभी हमारा हुआ नहीं है, फिर भी जान लीजिए कि 0.0001 होगा। जैसे देखो, अगर इसने इसका एक शॉर्ट ट्रिक जान लो कि 6.023×10^23 इलेक्ट्रॉन लेने पे एक इक्विवेलेंट होता है, 1 मोल पे एक इक्विवेलेंट रिड्यूस होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1/Na, तो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 6×10^20, तो इसमें कितना? 1/Na×6.023×10^20, तो कितना जाएगा? 0.001। और आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? सी। मैं जानता हूँ इसको आपको थोड़ा मेरे को शॉर्ट तरीके से बताना पड़ा, क्योंकि अभी हमने इक्विवेलेंट वेट के कॉन्सेप्ट को नहीं किया है, ठीक है। फिर भी आप इसको अभी के लिए मेमोराइज रखिए, जब इसको डेप्थ में पढ़ाएंगे तो आपको पूरा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी क्या जाने आप कि इतने इलेक्ट्रॉन लेकर के किसी चीज का कितना इक्विवेलेंट बनता है? 1। पक्का? आवाज नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, इलेक्ट्रॉन इन होना चाहिए, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बहुत ही आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? टू इंटू प्लस एक कार्बन है, एक कार्बन में कितने? छह, आठ दूनी सोलह, छह बाईस, पक्का? ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखें। 510 मिलीग्राम ऑफ लिक्विड, एक लिक्विड है जिसका हमारे पास कितना मिलीग्राम है? 510 मिलीग्राम है, ठीक है। ऑन वेपराइजेशन इन विक्टर मेयर ऑपरेटस, इसी में आगे पढ़ाएंगे। डिसअपीयर्स, इतना डिस्प्लेस इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर, गौर पूर्वक चुप होकर के सुनना। अगर कोई इतना सेंटीमीटर क्यूब एयर को डिस्प्लेस कर रहा है तो जरा देखना, एक सेंटीमीटर क्यूब एक ml के बराबर होता है, तो ध्यान पूर्वक सुने, बोले ना, 67.2 सेंटीमीटर क्यूब 67.2 ml के बराबर होगा। अब इतने ml को हटाया 510 मिलीग्राम में, तो 510 मिलीग्राम ने हटाया 67.2 ml को, तो 1 ml को कितना हटाएगा? 510 डिवाइडेड बाय 67.2 मिलीग्राम। और गौर पूर्वक सुन लेना, दुनिया के किसी भी गैस के 1 मोल के द्वारा घेरा गया वॉल्यूम हमेशा एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। दुनिया के किसी भी गैस के 1 मोल के द्वारा एसटीपी पर घेरा गया वॉल्यूम 22.4 लीटर या 22400 ml। भाई 22.4 लीटर बोलूं या 22400 ml बोलूं? तो 1 ml इतना मिलीग्राम, तो 22400 ml जितना 22400 ml को जो डिस्प्लेस करेगा वो एक्चुअली 1 मोल होगा ना। यानी कि 22400 ml को डिस्प्लेस करने वाला जो मास होगा वो 1 मोल का मास होगा ना। और 1 मोल का मास ही क्या कहलाता है? मोलर मास। बहुत केयरफुल रहे, फिर से बता दूंगा, 510 डिवाइड बाई 67.2 मल्टीप्लाइड बाई 22400, तो ये किस में आएगा? मिलीग्राम में, बोलो। बट मोलर मास इज एक्चुअली गिवन इन ग्राम, सो वी विल कन्वर्ट इट इन ग्राम। 510 इंटू 22400 अपॉन 67.2 डिवाइडेड बाई 1000, एक ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, आया ना? एक ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है? 1000। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये डेसिमल ये कट जाएगा, बोलो पक्का, और एक से ये कट जाएगा, तो 51 इंटू 224 अपॉन 67.2, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। फिर से सुन लेना, हमसे कह रहा है कि 510 मिलीग्राम लिक्विड जो है वो कितने को डिस्प्लेस कर रहा है? 67.2 सेंटीमीटर क्यूब को, एसटीपी पर, बोलो। तो 67.2 सेंटीमीटर क्यूब को ही 67.2 ml भी कहा जा सकता है, मानते हो? अब 510 मिलीग्राम ने हटाया इतना ml, तो 1 ml को कितना हटाएगा? 510 डिवाइडेड बाय 67.2। अब सुनना ध्यान से, हमें इसका मोलर मास पूछ रहा है, तो मोलर मास यानी 1 मोल का मास ना। तो जितना एयर, सॉरी, जितना 22400 ml को डिस्प्लेस करेगा वो एक्चुअली 1 मोल होगा ना, क्योंकि दुनिया की किसी भी गैस के द्वारा एसटीपी पर 1 मोल के द्वारा घेरा गया वॉल्यूम कितना होता है? पक्का? तो 22.4 लीटर को ही क्या बोल सकता हूँ? तो जो इतने ml को डिस्प्लेस करेगा वो एक्चुअली 1 मोल होगा ना। नहीं समझा? तो इतने ml को इतने ने डिस्प्लेस किया, तो दिस इज द मास ऑफ 1 मोल, दैट्स व्हाई इट इज अ मोलर मास, बट हियर इट इज इन
मिलीग्राम, वी हैव टू कैलकुलेट इट इन ग्राम, तो हमने इसको 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, 170 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 170 के अगर आसपास आ जाएगा तो बात बनेगी कि नहीं बनेगी, बन जाएगी। फिर से देख लीजिए, नहीं समझो दोबारा पूछिए। बहुत सिंपल सी बात है, एक मोल के द्वारा घेरा गया वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। तब उल्टा बोल दूंगा कि जितना 22.4 लीटर अगर कोई वॉल्यूम घेर रहा है तो इसका मतलब उसका मोल कितना है, और एक मोल का मास ही क्या कहलाता है। अब आगे सुनना क्या बोल रहा हूं, कि जो मास 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है वो कुछ और नहीं एक मोल का मास है, दैट्स व्हाई इट इज अ मोलर। अब बताओ, अभी भी नहीं समझा, क्रॉस क्वेश्चन है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। कहता है नंबर ऑफ एटम्स इन इतना ग्राम ऑफ आयरन, ये तो बहुत आसान है, बट ऑप्शंस थोड़ा अलग तरीके से सेट किया है। ऑप्शंस को ऐसे नहीं सेट किया कि सेकंडों में आ जाए। तो देखो, हमें देता है 558.5 ग्राम दिया है। मेथड वन लगेगा, मेथड टू के मेथड थ्री, तो मेथड मोल डिवाइडेड बाई मोलर मास, बोलो। हाँ, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया, बोलो। यानी उसके कितने मोल है, 10, और 10 मोल आयरन में कितने आयरन होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 10। जैसे 10 दर्जन केले में कितने केले होंगे, 12 इंटू 10, 12 क्या है, एक दर्जन में नंबर ऑफ बनाना ना, तो वैसे 10 मोल में कितने एटम होंगे, एक मोल में कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो 10 में कितने होंगे मल्टीप्लाइड बाई 10, तो यहां मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और आ जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 24। पक्का? ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया क्या, आयरन का नंबर ऑफ एटम। ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स होइए। अब देखिए, हमारे पास कह रहा है ये ट्वाइस दैट ऑफ 60 ग्राम ऑफ कार्बन, तो देख लेते हैं। 60 ग्राम कार्बन, कार्बन का मोलर मास 12, 12 पंचे 60, 5 मोल, तो कह रहा है कि जितना 5 मोल में उससे जस्ट डबल है, यस, क्योंकि 5 मोल का डबल क्या होगा, इंटू 2, और उसमें कितने कार्बन एटम होंगे, इंटू एन, तो ये डेटा और ये डेटा दोनों सेम है ही नहीं, पक्का, तो पहला ही आंसर हो गया, बोलो। और ऑप्शन में अगर ऑल नहीं है तो बाकी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं, नहीं समझा, क्योंकि एक से ज्यादा तो करेक्ट आंसर होगा नहीं आपके एग्जाम में, जेई मेंस में और नीट में सिंगल आंसर करेक्ट रहता है ना, बोलो। काम मिश्रा जी कुछ सोच रहे हो क्या, बोलो बोलो, पक्का ना? तो जब पहला ही आंसर करेक्ट हो गया तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं, कहिए तो चेक कर लो। ठीक है, आगे चलेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कहता है 7.5 ग्राम ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई इतना लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी, द गैस इज, चुप रहना, हाँ आप बताइए क्या करूं। क्या करूं, 5.8 / 22.4, ठीक है, उससे क्या होगा, तो क्या होगा फिर, बैठिए आप बताइए किसके, हाँ, तो 5.8 / 22.4 लगभग 4 आ गया। अब क्या करूं, बैठ जाइए बच्चों,
बहुत ही सड़ेला सा क्वेश्चन है कि नहीं? इधर देखिए, फिर से देखिए, 7.5 ग्राम जो है, चुप रहिए बोली मत, 7.5 ग्राम जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 5.8 लीटर। अब सावधान हो जाओ, तुम जानते हो कि एसटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम को जो ऑक्यूपाई करता है वो एक्चुअली 1 मोल होता है। हाँ। यानी 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई जितना मास करेगा वो कुछ और नहीं 1 मोल का मास होगा। हाँ। ये बात खोपड़िया में जा रही है कि नहीं जा रही है? हाँ। तो एक इतना लीटर इतना ग्राम करता है, तो एक लीटर 7.5 इतना करेगा, बोलो। हाँ, हाँ। तो 22.4 लीटर 7.5 अपॉन 5.8 इनटू, ये चार बार गया लमसम, और चार से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 × 5 = 20 और 4 × 7 = 28, 28 × 2 = 30। तो चेक कर लो, जिसका मोलर मास 30 आ रहा हो रही आंसर, तो फर्स्ट वाले का मोलर मास कितना आ रहा है? नहीं समझा बेटा, दुनिया के सभी गैस का जो 1 मोल होता है वो कितना वॉल्यूम घेरता है? 22.4 लीटर। अगर हमको 22.4 लीटर ना करके 5.8 लीटर दिया, तब जरा जब आप जो बोल रहा हूं वही सुन लो कि वह मास जो 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा वही क्या होगा? मोलर मास। क्योंकि 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करने के लिए कितना मोल होना चाहिए? तो मैं मोल के टर्म में ना बोल के मास के टर्म में बोल रहा हूं, वह मास जो कितना वॉल्यूम घेरे 22.4 लीटर वो क्या कहलाएगा? मोलर मास। तो देखो, मैंने यूनिटरी लॉ लगा के निकाल दिया, इतना ग्राम इतना लीटर, तो एक लीटर इतना ग्राम, तो इतना लीटर इतना ग्राम, अब ये क्या है? 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर को जितना मास घेरेगा वो कुछ और नहीं, उसका मोलर मास होगा। तो मैंने देखा कितना आ गया, 30 ग्राम। अब मैंने सभी गैसेस का मोलर मास चेक कर लिया, जिसका मोलर मास 30 था वही आंसर है। नहीं समझा? पक्का? क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए गौरपूर्वक, फिर जिससे पूछूंगा वो बताएगा। और कोई? हाँ सर, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, हाँ बेटा, इसमें NO का मास 30 आता है और CO का 28 आता है, लेकिन बस 5.8 है, उसको अप्रॉक्स लेंगे ना तो 30 फर्स्ट आंसर आएगा, लेकिन उसको अप्रॉक्स नहीं लेंगे तो सी आंसर आता। अच्छा। हाँ। तो सी आंसर करेक्ट होगा, मैंने तो बोल दिया। सुनो सुनो, सही कह रही हो, पूछो कैसे, क्योंकि हम 5.6 लेंगे तब तो ये चार बार जाएगा, मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं देखा, सॉरी। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? समझे नहीं समझे? क्योंकि ये सॉल्व करोगे तो 30 अप्रोक्सीमेशन किया ना मैंने। हाँ। अगर यही 5.6 होता तब आंसर क्या आता? NO। ये 5.6 नहीं, 5. क्या है? 8 है। इसको एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 28। प्रोसेस वही होगा, क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा बदमाश सेट किया है। समझ लगा? ठीक है, नेक्स्ट। इसको पढ़ लीजिए पहले ध्यान से। एक कंपाउंड है, कंपाउंड वॉज फाउंड टू कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 28 एंड 80 ग्राम रिस्पेक्टिवली। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कह रहा है कि इन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 28 ग्राम एंड 80 ग्राम रिस्पेक्टिवली। बोलो। हाँ। इसके कई तरीके होते हैं, एक ये वाला तरीका आपको याद है, बचपन में पढ़ा होगा, नाइट्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना है? 28। ऑक्सीजन कितना है? तो सबसे पहले मोल निकालते हैं, क्या निकालते हैं? तो 28 / 14 इसका 2 आ गया, इसका 80 / 16 5 आ गया। ध्यान से बोली मत, दोनों में जो वैल्यू सबसे छोटी होगी, थोड़ा आप लोग कोरस में जवाब ना दे, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है, जिससे पूछो उसको बोलने दी। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो ट्रिक होता है, ये किसी ने आप लोगों ने पहले देखा होगा 110% दुनिया में कहीं भी पढ़ रहे होंगे, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन टाइप हो गया और बहुत अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए बता दे रहा हूँ।
दोनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड करते हैं। तो दो और पांच में मुझे तो दो सबसे छोटा दिख रहा है, किसी को पांच तो नहीं दिख रहा है। थैंक गॉड, यहाँ कितना हो गया वन और यहाँ कितना हो गया 2.5। तो फ्रैक्शनल आ जा रहा है कि नहीं, तो फ्रैक्शनल हिस्सा नहीं लेते हैं। अगेन इसको हमें टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर से वही आ जाएगा, तो फॉर्मूला इसका N2O5। आगे इसको डेप्थ में सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये आपने कॉलम बनाना देखा होगा ना, ऐसे क्वेश्चंस देखे तो होंगे ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 4 1-liter फ्लास्क आर सेपरेटली फिल्ड विद गैस हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन एंड ओजोन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दीज गैसेस प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लास्क वुड बी। कोई बात नहीं, चार फ्लास्क हैं, 1, 2, 3, 4। अगर इन चार फ्लास्क में देखें तो गैसेस भरी हुई हैं। चुपचाप सुने बेटा, हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन ओजोन, और चारों फ्लास्क का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। आप जानते हैं गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है, यानी सभी गैसेस का भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम दिया हो और मोल चाहिए तो मेथड वन लगा दूं, मेथड टी लगेगा। तो मेथड थ्री से सबका मोल निकालेंगे, मोल हो जाएगा 1 upon 22.4, 1 upon 22.4, 1 upon 22.4, 1 upon 22.4। मेथड थ्री कहता है कि वॉल्यूम एट एसटीपी को 22.4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। कह दो हाँ, लेकिन मुझे जो रेशियो पूछ रहा है वो मॉलिक्यूल का नहीं, मोल का नहीं, एटम का पूछ रहा है। कह दो हाँ, तो मेरे को ये मोल मिल गए। तो अगर मैं मॉलिक्यूल चाहूंगा, क्या चाहूंगा, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का रेशियो देखिए कैसे आ जाएगा। थांबा बोलो, रखा मोल मालूम है ना, और मॉलिक्यूल चाहिए किससे मल्टीप्लाई करना, वेरी गुड। तो 1 upon 22.4 into N, और इसका भी 1 upon 22.4 into Na, 1 upon 22.4 into Na, और 1 upon 22.4 into Na। ये किसका रेशियो, ये किसका वैल्यू आ गया, मॉलिक्यूल। बट क्वेश्चन में मॉलिक्यूल का भी रेशियो है, किसका पूछा है भाई, सबका मोल पता लग गया, मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मॉलिक्यूल पता लग गया। लेकिन वो मॉलिक्यूल का ना तो रेशियो पूछ रहा है, ना ही मोल का रेशियो पूछ रहा है, वो बदमाश एटम का रेशियो पूछ रहा है, किसका। ठीक है, तो जरा देखो, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, तो इतने में कितने, इंटू टू, बोलो हाँ, तो 2Na/2। अब डायरेक्ट इस टू लगा दू, इसके एक मॉलिक्यूल में कितना एटम, एक, इसका मॉलिक्यूल होता ही नहीं, हीलियम है ना, तो जितना होगा मॉलिक्यूल एक्चुअली वही क्या होगा, एटम। तो Na/20 is 2, इसके एक मॉलिक्यूल में, पक्का ना, कोई सो तो नहीं रहा है, तो इतने में Na/22.4 into 2 is 2, Na/22 ओजोन इंटू 3। रेशियो लेना जानते हो, ये देखो जो कॉमन होगा वो सब कट जाएगा, Na/22.4, 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 Na/22.4 कट जाएगा कि नहीं, और जब कट जाएगा तो बचेगा 2 is 2, 2 is 2, 2 is 2, 3। ढीला आएगा, नहीं समझा, अगर मोल का रेशियो पूछता तो कितना आ जाता, यही ले 1 is 2, 1 is 2, 1। अगर मॉलिक्यूल का रेशियो पूछता तो क्या आ जाता, 1 is 2, 1 is 2, 1 is 2, 1। बट एटम का रेशियो अलग आएगा, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल में एटम की संख्या अलग अलग है। नहीं समझा अच्छे से, यदि क्रॉस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ एटम इन इतना ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेट। ये तो आसान क्वेश्चन है, हम
मेथड वन क्या कहता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, बोलो हाँ, यहाँ से मोल मिल जाएगा और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या है पक्का, कितना परसेंट है ये, 4.25 है, बोलो, यानी कि ये क्या हुआ, हाँ सी बोलो बोलो क्या, 1/4, अच्छा ये चार बार कह रहे हो, हाँ चार चौक 16 और 25, हाँ ठीक है, तो 1/4 × 6, अच्छी बात बोलने में इतना डर से क्यों बोलते हो, तो ये 1.something × 10^23 कौन सा ऑप्शन है, एटम पूछ रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे, चार, तो 4 × 10^20 कुछ, और अगर क्या हुआ, हाँ ठीक है ठीक है, यानी कि अगर इसमें देखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो 6.023 वो किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ठीक सही पक्का, देखिए अगर ऑप्शन इस तरह से सेट रहा और जल्दबाजी में रहे अपन तो गलती हो सकती है, नहीं समझे है कुछ नहीं, केवल ऑप्शंस इस तरह से मैनेज्ड है कि अगर जल्दबाजी में लिया तो गलती हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखें, कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये बहुत आसान है, देखो 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट जो है उसके पास कितने मोल ऑक्सीजन है, 8 मोल ऑक्सीजन है, तो कह रहा है कि हमें कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 मोल ऑक्सीजन कितने में होगा, 1/8 मोल में, बोलो हाँ, तो 1 मोल तो चाहिए नहीं, कितना चाहिए, 0.25 कितने में होगा, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट, पक्का ना, इसको काट देंगे यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, 25 × 3 = 75, बोलो हाँ, 5 × 80 और 25 × 2 = 50, 1/32, हाउ मेनी मोल्स, इतना मोल पूछा है, तो 1/32 को अपन अगर सॉल्व करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 जीरो और लगाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ाएंगे, ये 3 बार जाएगा कि नहीं, बोलो, तो 0.03 के आसपास आएगा, तो अगर इसको तुम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 0.03125, नहीं समझा, पक्का ना, ठीक है, तो ये कोई बहुत अलग से क्वेश्चन नहीं है, एक एवरेज तौर तरीके से हमने देखा कि इसके 1 मोल में ऑक्सीजन कितना है, तो 4 × 2 8 मोल है, बोलो, तो जैसे मुझे पता लगा इसके 1 मोल में ऑक्सीजन का 8 मोल है, तो ऑक्सीजन का कितना भी मोल पता लगाना हो, अब यूनिटरी ला लगा के निकाल देंगे कि नहीं, जैसे पता लग गया कि 1 रुपए का 8 समोसा है, तब कितना भी समोसा चाहिए उसका पैसा पता लगाया जा सकता है कि नहीं, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहता है एट रूम टेम्परेचर रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड केप्ट इन 2 सेपरेट कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम इज 3:5, देन द कंटेनर हैव इक्वल नंबर ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, PV = nRT से हर कोई परिचित है, कह रहा है रूम टेम्परेचर, दोनों के लिए टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है, एट रूम टेम्परेचर द रेशियो ऑफ प्रेशर केप्ट इन 2 सेपरेट कंटेनर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, तो प्रेशर किस पे डिपेंड किया, तो P1/P2 = तो प्रेशर का रेशियो क्या दे रहा है, 3:5, तो मोल्स का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5, बोलो हाँ, तो जरा देखना इसके 3 मोल में मीथेन का, अगर N1 किसका मोल माने हो, मीथेन का ना, और N2 किसका मोल माने हो, कार्बन डाइऑक्साइड का, बोलो हाँ,
आप जरा देखना, मीथेन के 3 मोल्स तो इक्वल है नहीं, ये तो गलत हो गया। बोलो, और मॉलिक्यूल्स भी इक्वल नहीं होंगे जब मोल इक्वल नहीं है तो। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब बचा इलेक्ट्रॉन और एटम। तो चेक कर लेते हैं 3 मोल मीथेन में कितने एटम होंगे, 15। बोलो, और 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स आंसर है। फिर से नहीं। पक्का? अच्छा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर। भाई तुम्हें मेथड 1 बताया, खूब अच्छे से पढ़ाया, कल मेथड 2 खूब अच्छे से पढ़ाया, उस पर भी कल खूब दबा के क्वेश्चन लिए, अब आज मिसलेनियस क्वेश्चन ले रहे हैं, मेथड 1 भी, मेथड 2 भी और मेथड 3 भी। अब मोल कॉन्सेप्ट आपने किताबों पढ़ा होगा तो कोई थियरी तो होती नहीं, केवल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, हर जगह आपको दिमाग चलाना है। बोलो, और वो क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रैक्टिस के साथ डेवलप होता है। अब अगर आप इसको वो मत करिएगा कि अरे सर कैसे, पूछ लेना, समझा ये बात, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 1 लीटर ऑफ ए गैस एट एसटीपी वेज इतना ग्राम, इट कैन पॉसिबल ओनली, अच्छा कह रहा है 1 लीटर किसी चीज का इतना ग्राम है, बोलो, तो उसका अगर 1 लीटर का वजन 1.16 ग्राम है, बोलो, तो 22.4 लीटर का वजन कितना हो जाएगा, 1/4। अबे भाई भगवान से डरो सालो, 22.4 × 1.16 कम लगता है जानते हो ना, कहीं भी अपॉन थोड़ी ठोक देना है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 22.4 × 1.16, सॉल्व करके बताइए कितना है, 38 होगा। देखो ये 1.5 से थोड़ा बड़ा है ना, सॉरी 1.5 से भी छोटा है, 1 के आसपास, ये 22.4 यानी लगभग 24 के आसपास वैल्यू आएगी, 25.9। अच्छा यानी 26 के आसपास आ रही है, तो जरा देखें कि ये देखो 12 × 2 = 24 और +2 = 26, तो कौन करेक्ट हो गया, यानी कि 22.4 यानी 22.4 लीटर वॉल्यूम को जितना मास घेर रहा होगा वो एक्चुअली 1 मोल का मास होगा, और 1 मोल का मास ही क्या कहलाता है, मोलर मास। तो हमने देखा कि 22.4 लीटर वॉल्यूम को घेरने वाला मास कितना है, 26 ग्राम है, कितना है। अब हम देखेंगे कि सारे ऑप्शन में कौन सा वो ऑप्शन है जिसका मोलर मास 26 है, उसी को हम क्या कह देंगे, आसान सा क्वेश्चन है, नॉर्मल। आगे देखें, कहता है ए गैसियस मिक्सचर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:4 बाय वेट, देयरफॉर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी सिंपल, किसके मोल्स का दे रहा है, वेट का दे रहा है, तो वेट का, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ नाइट्रोजन दिया है 1:4, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, वेट को मोल में बदलना है, मेथड 1 लगाओगे, मेथड 1 क्या कहता है, अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलर मास, 32 यहां क्या हो जाएगा, 4 / तो ये क्या हो जाएगा, 1/32, और ये क्या हो जाएगा, 28/4, 4 × 7 = 28 और 4 × 8 = 32, बोलो तो 7/32 आ गया। तो हमसे कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल ये मोल का रेशियो आ गया, मॉलिक्यूल (NA)×NA फिर कट जाएगा, तो वही जो मोल का रेशियो होगा वही मॉलिक्यूल का रेशियो होगा, 7:32, सी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल है, तुमको क्या दिया है, वेट का रेशियो दिया है, मॉलिक्यूल का रेशियो पूछ रहा है, अगर यहीं एटम का रेशियो पूछता तो भी आंसर सेम ही आता, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में एटम भी क्या है,
सेम है, समझे क्या? ठीक है, बट अगर एक गैस ऐसा कर देता कि एटम की संख्या बदल जाती तो ऐसी स्थिति में एटम का रेशियो क्या हो जाता? डिफरेंट। नहीं समझा? समझा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो कहता है वेपर डेंसिटी, छोड़ दीजिए अलग से कराऊंगा, वेपर डेंसिटी भी नहीं, जो टॉपिक कवर हुआ उस पर प्रैक्टिस रहेगा पूरा। अगले क्वेश्चन में कहता है कि अंडर द सेम कंडीशन टू गैसेस हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दे मस्ट बी, रुको, सेम कंडीशन यानी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, बोलो, सेम कंडीशन यानी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम हो तो पी वी अपॉन टी इज इक्वल्स, और अपॉन में आर हो जाएगा, आर तो कॉन्स्टेंट ही, ये एन हो जाएगा, बोलो। तो दो गैसेस के लिए अगर ये सेम है यानी एन वन बराबर एन टू, हाँ या ना? नहीं समझा? भाई एन वन क्या हो जाएगा पी वन बी वन टी वन, और एन टू क्या हो जाएगा पी टू वी टू अपॉन टी टू आर। तो कह रहा है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, यानी टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, तो जब ये P1 V1 T1 और P2 V2 T2 सेम होगा, जब P1 V1 upon T1 बराबर होगा किसके, P2 V2 upon T2 के, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, तो N1 बराबर N2 हो जाएगा कि नहीं, और जब N1 बराबर N2 हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाएगा, तो कह रहा है बी नोबल गैसेस ऐसा जरूरी हैव इक्वल वॉल्यूम, हैव अ वॉल्यूम ऑफ इतना डेसीमीटर के बीच, हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, रुको, हैव इक्वल, अंडर द सेम कंडीशन टू गैसेस हैव द सेम नंबर, अच्छा ओके, कह रहा है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल सेम है यानी मोल सेम, बोलो, तो मोल सेम होंगे तो अब इसमें, ओ सॉरी थोड़ा मैंने अलग बोल दिया, रुके रुके, PV is equals to क्या होता है? PV is equals to nRT होता है, पक्का? ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम को न वेरिएबल करा करके हमसे कहते हैं अंडर द सेम कंडीशन टू गैसेस हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो रुको सीधे कर देते हैं, मॉलिक्यूल सेम है, मॉलिक्यूल सेम है यानी उनके मोल्स सेम है, यही एक लॉजिक बना कि नहीं, तो दे मस्ट बी नोबल गैस, क्या सिर्फ नोबल गैसेस में ही मॉलिक्यूल सेम होते हैं? पहली चीज तो नोबल गैस में मॉलिक्यूल होते नहीं, एटम होते हैं। आगे देखिए, दे हैव इक्वल वॉल्यूम, यस, अगर वॉल्यूम इक्वल होगा तो डिवाइडेड बाई 22.4 भी इक्वल होगा, और जब डिवाइड बाई 22.4 भी इक्वल होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम, पक्का ना? हैव अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 डेसीमीटर क्यूब ईच, बोलो, जरूरी नहीं कि इतना ही हो, 20-30 डेसीमीटर क्यूब ईच होगा तो भी तो सेम हो जाएगा, 50 डेसीमीटर क्यूब हो तो भी तो सेम हो जाएगा, जरूरी नहीं 22.4 डेसीमीटर क्यूब हो तभी जा करके सबके मॉलिक्यूल सेम होंगे, कुछ भी वॉल्यूम हो सेम हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम सेम होने पे मोल क्या आएगा, सेम। नहीं समझा? देखो तीसरे और दूसरे को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, दूसरे को कह रहा है कि ये बात सिर्फ एक फिक्स वैल्यू के लिए सही है, ये तो गलत बात है ना, कोई भी वॉल्यूम ले लो जब उसको 22.4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू तो कॉन्स्टेंट आएगी। नहीं समझा? पक्का? पक्का? ठीक है, आगे देखें, हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एटम, किसी के पास इक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे तो मॉलिक्यूल इक्वल होगा? नहीं, जैसे जैसे N2 है और O2 है तो ये तो सेम हो जाएगा, लेकिन अगर N2 के मान लो 5 एटम है तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, ढाई, बोलो, ये चलो ऐसे कहते 10 एटम है नाइट्रोजन के तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 5, इसके भी 10 कितने बनेंगे, पक्का ना? लेकिन अगर मान लो कोई ओजोन होगा तो इसके 10 एटम से इसका डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा ना, तो एटम सेम हो तो मॉलिक्यूल सेम हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, चक्कर आ गया, समझ में आया? ठीक है, एनी क्रॉस क्वेश्चन? क्यों, हाँ, लास्ट वन, हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एटम, क्या एटम की संख्या बराबर होने पर मॉलिक्यूल बराबर होने जरूरी है? नहीं। हो भी सकते हैं,
अगर देखो N2O2 है मतलब एक तरह के मॉलिक्यूल है, यानी प्रति मॉलिक्यूल यहाँ भी दो एटम है, प्रति मॉलिक्यूल यहाँ भी दो एटम है, तो एटम की संख्या बराबर होने दोनों के मॉलिक्यूल सेम होंगे। जैसे अगर यहाँ 10 एटम है तो इसके 5 मॉलिक्यूल, यहाँ इसके 10 एटम है तो इसके 5 मॉलिक्यूल। लेकिन जहां एटम की संख्या सेम नहीं होगा, जैसे ये देखो O3 होगा, यहाँ प्रति एटम प्रति मॉलिक्यूल 3 एटम है, तो यहाँ 10 एटम से जो मॉलिक्यूल बनेगा 10/3 बनेगा। तो एटम के बराबर होने पे मॉलिक्यूल सेम हो, ऐसा हो भी सकता है और इट्स नॉट नेसेसरी। नहीं समझा मिश्रा जी? समझा। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड इज द परफेक्ट आंसर। हां आगे चलेंगे। हाँ बोलो। वही क्वेश्चन अगर फर्स्ट टाइम में पूछा रहता तो थर्ड ऑप्शन आता। अब वो तो फिर अलग बात हो गई ना, मैं पूछा होता तो फिर और आगे देखते, मस्ट पूछा है फिर तो कुछ भी संभव होने लगता है। क्वेश्चन मत डिजाइन करें, वी शुड वर्क विद इन द क्वेश्चन। तो फिर उस हिसाब से ऑप्शन सेट होगा ना, एक से ज्यादा आंसर करेक्ट होने लगेगा, जो कि हमारे एग्जाम का पैटर्न नहीं है। आगे आए देखें, द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? क्या 18 ग्राम? वेरी गुड, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम होगा। शाबाश। 18 mu होगा। धतूरा खाई थी आज सुबह सुबह? पक्का ना? बैठो इधर देखो, एक मॉलिक्यूल कल तुमसे क्या बताया था, देयर परसों देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर। एक मॉलिक्यूल का मास होगा, बच्चों बॉटल वगैरह फेंको मत, वो कितना हो जाएगा, पी प्लस एन, मैं भी थोड़ी देर में चला जाऊंगा घबराओ मत, पी प्लस एन इंटू एम। और एक जो मोल का मास होता है वो कितना होता है, पी प्लस एन इंटू ग्राम। तो ध्यान से देखो, वहां एक मॉलिक्यूल पूछा है, एक मोल पूछा है, एक मॉलिक्यूल यानी कि वाटर के जो एक मॉलिक्यूल का मास होगा दैट इज पी प्लस एन इंटू, पी प्लस एन कितना होता है 18 AM। तो 18 एक, चुप रहो अनम, 1 AMU में कितना ग्राम? 1.2 आपका नाम क्या है? स्वेच्छा। स्वेच्छा बताओ, स्वेच्छा से 1 AMU में कितना ग्राम? तब तो तुम लोगों को मैं वो उसके जैसा यमराज जैसा दिखता हूँ ना, यमराज आ गया यमराज, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जब बच्चों को समझ में नहीं आता, हालांकि तो टीचर कैसा दिखता है, यमराज जैसे वो भैंसे पे बैठ के सींग वाला यमराज आता है, वैसा दिख रहा है, मैं आई एम डैम श्योर वैसा ही दिख रहा हूँ। इंटू 1.67 पक्का ना? ठीक है मेरे प्यारे सरकार, कॉपी को जो है चटनी वटनी खाने में ही यूज किया करें, एक आध पेज जो पढ़ते हैं उसको फाड़ के उसमें कुछ रोटी वगैरह रैप करके लाया करें। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ 1 AMU, एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। नोट्स में पहली दूसरी या तीसरी लाइन है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, चमत्कार की उम्मीद में हो कि बाहर आके गाड़ी खड़ी होगी और उसमें बाहर जाली लगा होगा, अंदर से व्हाइट कोट पहन के आएंगे, लोग कहेंगे चलो GMC नागपुर, चलो चलो बैठो गाड़ी में, ऐसा सोच रहे हो गाड़ी आएगी ले जाने के लिए, कि मेहनत करके इंट्रेंस देके जाना पड़ेगा? हाँ, तो अगर किसी दिमाग में ये गलत फहमी है कि गाड़ी आएगी उसमें से, और तुम कहोगे खाने मुझे नहीं जाना, लेकिन वो जैसे कुत्ता पकड़ते हैं देखे ऐसे फंसा करके, कि वैसे पकड़ लेंगे चलो 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 GMC नागपुर चलो, वहां तुम्हारे लिए एक सीट खाली है। भाई इंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए घर पे रातें काली करनी पड़ती हैं, बैठना पड़ता है 10-10 घंटे 8-8 घंटे काम करना पड़ता है। और मैंने पहले बताया था, देखो मैं कमजोर से कमजोर बच्चे को, दुनिया का हर गधा घोड़ा बन सकता है, हर गधा घोड़ा बन सकता है, सवाल बस इतना है कि वो गधा घोड़ा बनना चाहता है कि नहीं।
वो गधा घोड़ा बनने की प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं, इंटरेस्टेड है कि नहीं, कि वो जो है नहीं मैं गधा बन के खुश हूँ कोई बात। गधा का मतलब है मैं भी बीइंग अ टीचर गधा हो सकता हूँ और मैं अपने आप को घोड़ा बनाऊं, यानी मैं और नॉलेज गेन करूं। इससे सिर्फ इतना मतलब है, हर इंसान अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, केवल डिपेंड करता है वो प्रयत्नशील है कि नहीं। अभी सुबह 11th में चेक किया, एक लड़की से पूछा मैंने तो प्रोटॉन नहीं गिन पा रही थी, तो फोन चेक किया तो 9 घंटे 18 मिनट का स्क्रीन टाइम आया जिसमें से लगभग 5 घंटे इंस्टाग्राम था। तो बताओ ऐसे बच्चे दिमाग में क्या चल रहा होगा भाई। तो खैर मैं इतना कहता हूँ, देखो मेरे को सब कुछ पसंद है, बस एक बात नहीं पसंद है। पूछो क्या? जो पढ़ा दिया गया, जो कॉपी में लिखा दिया गया, उसका जब कोई जवाब नहीं देता तो मेरे को थोड़ा अंदर से अच्छा नहीं लगता भाई, एकदम टू बी वेरी फ्रैंक। ये बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। क्या आंसर आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने पे वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें तो कहता है 23 कहता है, बैठे रहिए कोई जाइएगा मत, आगे देखें। कहता है अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स, हाँ जब समझ नहीं आता थोड़ी देर बाद मन करता है आओ चलो देखें बाथरूम, जैसे आधे घंटे पहले था वैसा ही है या कुछ चेंज हो गया। इधर देखें, ए गैसियस मिक्सचर कंटेन्स मीथेन एंड इथेन इन इक्विमोलर पोर्शन या प्रोपोर्शन, इक्वी मॉलिक्यूलर वही हो गया ना, इक्विमोलर होगा तभी इक्वी मॉलिक्यूलर होगा। द वेट ऑफ 2.24 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर एट एनटीपी, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। हमारे पास एक मिक्सचर है, बहुत छोटा कंटेंट पढ़ा रहा हूँ मालूम है क्या, मैं चीज़ों को बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ये मानते हुए कि सामने बैठा बच्चा थोड़ा 11th 12th में खिलाड़ी था, है ये मान करके मैं क्लास डिलीवर कर रहा हूँ। अब इसमें भी अगर नहीं समझ में आएगा तो एक चीज़ जान लेना, फिर सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। देखिए, ए गैसियस मिक्सचर कंटेन्स मीथेन एंड इथेन इन इक्वी मॉलिक्यूलर प्रपोर्शन, द वेट ऑफ 2.24 लीटर ऑफ दिस गैस एट एनटीपी कह रहा है। पहले हम इसका मोल पता लगा देते हैं, किसका मोल? मिक्सचर का। गौर पूर्वक देखना, मोल पता लगाएंगे मिक्सचर का। मिक्सचर का मेरे बच्चों क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। चले जाओ, किडनी में हार्ट अटैक की संभावना हो तो जा सकते हो, ठीक है। मोल किसका निकालेंगे हम लोग? मोल मिक्सचर का। क्या हो जाएगा? वी एट एसटीपी या एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। वॉल्यूम कितना दिया है? 2.4 अपॉन 22.4। कितना आ गया? 1/10, 1/10 यानी कि 0.1। यानी जो मिक्सचर है वो एक्चुअली कितना है? 0.1 मोल है। कितना है? अब देखो इक्वी मॉलिक्यूलर बोल रहा है, इक्वी मॉलिक्यूलर मतलब इक्वी मोलर, क्योंकि कोई चीज इक्वी मॉलिक्यूलर तभी हो सकता है वो इक्वी मोलर हो। यानी इस 0.1 मोल में, अच्छा क्वेश्चन है ये, मीथेन और इथेन इक्वी मोलर है तो बराबर बराबर बांटना पड़ेगा कि नहीं। तो 100 रुपया था तुम्हारा, तुम एक भाई एक बहन हो और घर पे आए हुए रिश्तेदार ने तुम्हें 100 रुपया दिया, बराबर बराबर बांटना है, कितना कितना लोगे? कैसे आया? डिवाइडेड बाई 2। तो 0.1 को 2 में बांटना है। कहते सर ये नहीं कर पाता मैं, वो पैसा बांट लेता हूँ। तो जैसे वहां तुमने 2 लोगों में बांटना था तो 100 डिवाइड बाई 2 किया था, वैसे यहाँ 0.1 को 2 गैस में बांटना है, ये 0.1। और ये कितना हो जाएगा? पूछा क्या है तुमसे? द गैसियस मिक्सचर मीथेन, द वेट ऑफ, अच्छा इस मिक्सचर का 2.2 लीटर का वेट पूछ रहा है, पक्का ना? तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 0.1/2 × 16 और प्लस 0.1/2 × 30, तो ये कितना आ गया? 8.8। ये कितना आ गया? 15, यानी 1.5 और 1.8 2.3 ग्राम हो जाएगा। दिया है? इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, नहीं समझे तो दोबारा बता देता।
एक बार फिर बता देता। देखो हमारे पास अब तक एक एक हैंडलिंग थी, एक एक गैस रहता था। इस बार गैस कितने हैं? दो। हमें उस मिक्सर का वॉल्यूम मालूम है और मुझे उस मिक्सर का मास चाहिए। बोलो। अब वॉल्यूम मालूम है तो हमने मोल निकाल दिया मेथड थ्री लगा के। मोल मिल गया, अगर एक ही गैस होता तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता, मास आ जाता। अब अगर इसके मोल में मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिर्फ मीथेन हो गया, और 30 से कर दिया तो सिर्फ, ये गलत बात है कि नहीं? भाई तो दोनों। तो अब हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इक्वी मोलर है तो यानी कि इस 0.1 मोल में बराबर बराबर मात्रा में है, यानी आधा इसको करना पड़ेगा और आधा इसको करना पड़ेगा। किसी एक चीज को दो लोगों में बराबर बांटना है तो आधा आधा देना पड़ेगा ना। तो पता लग गया एक्चुअली कितने मोल है मीथेन के और कितने मोल है इथेन के। जैसे मोल पता लग गए, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास पता लग गया, दोनों का मास जोड़ दिया, दोनों का मास जोड़ दिया, एग्जैक्टली आंसर आ गया। अब बोलो समझे क्या भाई? पक्का? किसी को ऐसा कोई भी हो जिसको लगता हो नहीं समझा तो पूछ सकता है। प्यारे सरकार आगे देखें। Assuming fully decomposed, the volume of CO2 released at STP on heating 9.85 gram of barium carbonate. बोलो। कोई बात नहीं। चलता है, चलता है। इधर देखो, barium carbonate है। मैं बच्चों से भी ज़्यादा मठ हूँ। ये जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको मालूम होगा। मतलब मेरे को जो करना है वो मैं करता हूँ, वो मैं ध्यान नहीं देता, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ता है। इधर देखो, बेरियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो ये बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि अगर इसका 9.85 ग्राम है बेरियम कार्बोनेट का, तो पूछ रहा है बताओ कितना वॉल्यूम रिलीज होगा। इट्स वेरी सिंपल, 1 मोल बेरियम कार्बोनेट से रिलीज होता है। देखो इसके 1 मोल से कितना रिलीज होता है इसका? 1 मोल CO2, यानी इसका मोल पता लगा लो, बस आंसर आ गया। तो मास तो दिया हुआ है, कितना? 9.83 मास दिया है, और मोलर मास कितना हो जाएगा इसका? 137 है बेरियम का, और 12 है कार्बन का, और 48 है ऑक्सीजन का। तो ये 9.87 डिवाइडेड बाई ये 137, इस कितना आएगा? ये 197 आ जाएगा। बोलो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये इस 9.85197 × 10⁻²⁻² मोल हो गया। अब ये मैथमेटिकली टफ जा रहा है। इस देखो, ये 1000 होता, ये 200 तो कितना हो जाता? 5। तो लेकिन 1000 से थोड़ा छोटा है, और ये भी तो 200 से थोड़ा छोटा है, लगभग ये 5 बार जाएगा। 5×25 बोलो, 5×9 = 45, 5×25 5×9 = 45, 2×47 और 5×5 = 2, हमने 5 बार तो नहीं जाएगा, कितना? अच्छा 197 है, सॉरी मैंने 195 लिखा, सॉरी 197 है ना। हाँ, तो 5 बार जाएगा, ठीक है, तो मैं 195 मान दिया, तो 5×10⁻⁴ आ गया। इसके कितने मोल आ गए? 5×10⁻²। इसके एक से इसका इतना बनता था, इसके इतने से इसका कितना बनेगा? 5। पक्का ना? किसी चीज का मोल मालूम है, वॉल्यूम चाहिए, क्या करूं? क्योंकि एक मोल में 22.4 लीटर घेरता है, इतना कितना घेरेगा? 5×22.4×10⁻¹, 5×20, 5×2 = 10, 2 = 12, और 5×2 = 10, 1 = 11, यहाँ पे क्या लगा दूँ डेसिमल, × 10⁻², यानी 1.2। इज इट गिवन? सारेला क्वेश्चन है, डिजिट्स भी डिविजिबल है, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
कुछ पेट भरा क्वेश्चनों से कि नहीं भरा? ठीक है, भर देता हूँ और, जब तक ट्राइमाम ना कह दो। देखो आगे कहता है, एक गैसियस हाइड्रोकार्बन, क्या कहता है, गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द एम्पिरिकल फार्मूले, छोड़ दीजिए एम्पिरिकल फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आगे टॉपिक होगा, पूरा कराएंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कल कराए थे, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ऐसे सड़ेले क्वेश्चन कर लोगे ना? अब थोड़ा मेरे ऊपर रहम करो, मुझे अंदर से बड़ा बेइज्जती लगता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेने के। समझ में आया ना? अब थोड़ा सा एक अच्छा टॉपिक लेता हूँ, आज उसी को पढ़ा के समअप कर देंगे। कितनी देर बचा है हमारी क्लास? बस 5 मिनट, बस 5 मिनट। ठीक है, सुनो आप अपना पेज वेज छोड़ लो इन सारे क्वेश्चनों के लिए, ये सारे क्वेश्चन मुझे नोट्स में चाहिए आपके। ठीक है, आप जो है एक फ्रेश पेज पे, हाँ या बाद में उसको भी लिख देना, मैं अच्छा समझा देता हूँ। अब हाँ ना गा गूं कुछ मत करना, खाली चुप सुनना। ठीक है, बोलो बच्चों, कैसे सुनना है? चुप सुनना है। देखो आप अगर ध्यान पूर्वक देखे होंगे तो जो भी क्वेश्चन आपने किया वो सिर्फ मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3 पे। तीसरा जो आर्टिकल मैं आपको सिखाना चाह रहा आज, वो मैं सिखाना चाह रहा हूँ परसेंटेज प्योरिटी का। किसका? परसेंटेज प्योरिटी का। बहुत बार एग्जामों में इस पे क्वेश्चन पूछा है। कुणाल भाई पक्का? चलो कुछ बातों का जवाब दो। मास दिया है, मोल चाहिए, क्या करो? किससे? मोल से और मास से? रोज ने राइट आंसर। देखो जैसे ट्रांसलेशन पूछा तुरंत सही जवाब दे दिए। दूसरा बताओ, मोल दिया है, वॉल्यूम चाहिए, क्या करूं? कोई बताओ, मोल दिया है, वॉल्यूम चाहिए, शाबाश। और मोल दिया है, मॉलिक्यूल चाहिए, तो मोल दिया है, मॉलिक्यूल चाहिए, इनटू से एन। ठीक है, शाबाश, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगला जो टारगेट है वो है परसेंटेज प्योरिटी। क्या है? भाई थोड़ा सोयाबीन वड़ी खाते हो? सोयाबीन वड़ी खाओ सूखी, एक चम्मच मिर्च उस पे रख करके गुनगुने पानी से, दिमाग खुल जाता है उससे ना थोड़ा। ऐसा कुछ नहीं करने मत लगना, ये मैं ऐसे मस्ती भी कर रहा। देखो मैं क्या रेसिपी नोट करने लगी? देखो बच्चों, परसेंटेज प्योरिटी को जरा समझने की कोशिश करना, कई बार नीट में पूछा गया है। सरकार जैसे देखिए हमसे कहता है कि हमारे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट का 50 ग्राम का मिक्सचर है, कितने ग्राम का? 50 ग्राम। और ये हीट करने पर 5.6 लीटर CO2 रिलीज करता है। बहुत गौर से सुनना, 50 ग्राम एक कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर था जिसे हीट किया तो 5.6 लीटर CO2 रिलीज किया। तो हमसे पूछ रहा है मिक्सचर की परसेंटेज प्योरिटी बताओ। तो ध्यान से सुनना मैं कैसे अप्रोच करता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बच्चे मेरे, इसका 50 ग्राम है और इसका मोलर मास 100 होता है, मुझे तो याद है, तुम्हें भी पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, अब निकाल भी सकते हो। तो इसके मोल्स आ गए 0.5। बोलो हाँ, यानी कि अब हम जानते हैं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड।
तो 0.5 यानी आधा मोल, तो आधा मोल कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगा आधा मोल कार्बन डाइऑक्साइड, बोलो आधा मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी कि कितने लीटर कितने तो बनना तो चाहिए था 11.2 लीटर, लेकिन यहाँ बन कितना रहा है, इसका मतलब कि पक्का ये पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं। अगर ये पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट होता तो 50 ग्राम जिसे हम आधा मोल कह सकते हैं उससे बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता, 11.2। बट क्वेश्चन में कह रहा है उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 5.5। यानी पूरा का पूरा 50 ग्राम कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं। अब हमारा टास्क है ये पता लगाना कि इस 50 ग्राम में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है, कुछ सुनाई दे रहा है। अब हमारा टास्क है ये पता लगाना कि इस 50 ग्राम में कितना कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत आसानी से पता लगा दूंगा, पूछो कैसे। एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है एक मोल CO2, एक मोल CO2 यानी 22.4 लीटर, 22.4 लीटर CO2 बनता है कितने से, 1 मोल से। तो 1 लीटर कितने से बनेगा, 1/22। पक्का ना, तो 5.6 लीटर कितने से बनेगा, 5.6/4 यानी 1/4। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कितने आ गए, मोल दिया है, मास चाहिए, क्या करूं, 1/4 × 100 20 यानी 25, यानी इस 50 ग्राम में 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। ये हमने कैसे पता लगा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम से। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी, इसकी परसेंटेज प्योरिटी 50% हो गई कि नहीं हो गई, परसेंटेज प्योरिटी हो जाएगी, है कितना 25, कितने में 50 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 50% आया कि नहीं है, नहीं समझा। ऐसे में दूसरा क्वेश्चन भी बना सकता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि KCLO3 है, क्या है, और इस KCLO3 का 122.5 ग्राम है, कितना है, 122.5 ग्राम, पक्का, और इसको हम लोगों ने हीट कर दिया, क्या कर दिया, और जब हीट किया तो जो ऑक्सीजन मिला वो मिला 44.8 लीटर, कितना मिला, 44.8 लीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज प्योरिटी बताओ किसका, KCLO3 किसका, ध्यान पूर्वक देखते चलो, अरे कोई बात नहीं, वो लिखा तो है KCLO3 हीट करने पे ये बनाता है KCl+2KCl+3O2, बैलेंस हो गया। ये लेबोरेटरी मेथड भी है ऑक्सीजन बनाने का, बैलेंस हो गया। अबे हाँ तो कह दे, अब इधर देखो, 2 मोल KCLO3 से बनता है 3 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल यानी कितना लीटर, 3 × ऑक्सीजन बनाने के लिए 2 मोल क्या लगता है, KCLO3, इसका मोलर मास 122.5 ही होता है, समझे क्या, चाहे तो चेक कर लो, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन का 16.3, इसको जोड़ोगे 122.5 ही आना चाहिए, चेक कर लो बार जोड़ के। अबे कल उतना ही आएगा, 121.5 है, 122.5 आ रहा है, पक्का, ठीक है, सरकार हो। अब जरा देखिएगा,
तो इसका एक लीटर अगर बनाना है तो इसका कितना मोल लगेगा, 2/3 × 22.4। एक लीटर तो बनाना नहीं हमको, हमको इसका कितना बनाना है, तो इसका 44.8 लीटर कितने से बनेगा, 2/3 × 22.4 × 44.8 मोल से। बोलो हाँ, इसके मोल पता लग गए, बोलो। इससे इसको काटोगे दो आएगा, 2 × 4/3 यानी कि 4/3 मोल चाहिए, 4/3 मोल चाहिए, तो मास कितना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 122.5। बोलो हाँ, तो डेटा मैं सेट कर रहा था खुद से, थोड़ा गलत हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं गलत हुआ, डेटा गलत हो गया, तो कोई बात नहीं, कौन सा भी नोट्स में लिखे हो, इसको मैं अपने मन से बदल दूंगा, यहाँ मैं 200 ग्राम दे दूंगा, नहीं तो दिक्कत हो जाता ना, परसेंटेज प्योरिटी 100% ज़्यादा थोड़ी आ सकती है, कोई चीज़ इम्प्योर हो सकता है लेकिन 100% ज्यादा प्योर, तो यहाँ परसेंटेज प्योरिटी 100% ज्यादा आ रही थी, मैंने डेटा चेंज कर दिया, कोई पाप हो गया क्या, ये कोई पाप नहीं बोलते इसको, बोलो ठीक है। क्वेश्चन डिजाइन कर रहे थे, वैल्यू थोड़ी गलत पुट हो गई, इधर देखो ये हमें अमाउंट आ गया कि नहीं, अब यानी कि एक्चुअली 200 ग्राम में इतने ग्राम है कौन, तो परसेंटेज प्योरिटी नहीं मिल जाएगी, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी, 4/3 × 122.5/200 × 100, ये इससे कटेगा, बोलो, और कितना हो जाएगा, 4 × 122.4/6, दिस इज आंसर। अब ये समझ में आया, मैं एक बार और बता देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट से हम एक्चुअल अमाउंट को अप्रोच करेंगे, और जैसे ही एक्चुअल अमाउंट पता लग जाएगा तो फिर परसेंटेज प्योरिटी निकालना बहुत छोटी सी बात है, एक्चुअल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100, बोलो यही तो निकालते हो ना कि नहीं निकाल पाते, कुछ लोग ये भी नहीं निकाल पाते होंगे, बाकी मुझे बोलना नहीं, आपको देखना है, देखो समझ में आया कि नहीं आया, पक्का कुछ करना थोड़ा, देखो ये सब सॉल्यूशन फॉल्यूशन दो पौड़ी का, तुम देखो हमेशा जो गैस रिलीज हो रही होगी उसका अमाउंट दिया रहेगा, देखो इस गैस का देखो वॉल्यूम दिया है कितना, 44.8। अब बहुत सिस्टम से मैं उल्टा चलूंगा कि ये देखो 2 मोल KCLO3 देता है 3 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल ऑक्सीजन यानी इतना लीटर ऑक्सीजन, जब इतना लीटर देता है इतना मोल, तो 1 लीटर देगा इतना मोल, तो इतना लीटर देगा इतना मोल, तो इतना लीटर के लिए इसका कितना मोल लगा पता लग गया, मोस को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास पता लग गया, जैसे इसका मास पता लग गया वैसे ही तुरंत क्या पता लग जाएगा, जैसे उसका मास पता लगा वैसे ही तुरंत क्या पता लग जाएगा, बोलो परसेंटेज। बहुत छोटा सा काम है, तुमको बहुत बड़ा सा लग रहा है, तो नीट इससे बड़ा काम है, समझे क्या, ये बहुत बड़ा नहीं लगना चाहिए। एक और क्वेश्चन देता हूँ, सब लोग सॉल्व करिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट का हमारे पास सौ ग्राम मौजूद है, इसको हीट करते हैं तो 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, परसेंटेज प्योरिटी बताओ मिक्सचर का, इसका परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा, सॉल्व करिए सब लोग, देखते हैं। भाई ने 29 जवाब दिया है।
हरि ओम। नाइन आप कह रहे हैं, और किसी का आंसर आएगा? ओके, आपका बेटा 7.5। ज्यादा ही राउंड ऑफ कर दी हो क्या? चलो अब मैं कर देता। इधर देखो, मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, हीट करोगे तो क्या बना देगा? पक्का ना? इसके एक मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनता है एक मोल CO2। एक मोल यानी 22.4 लीटर, बोलो। हाँ, तो 11.2 लीटर कितने से बनेगा? इसके आधे से पूरा करूं? इतना तो समझ लो ना बेटा, आधे मोल से बनेगा, बोलो। हाँ, और जिसको ज्यादा तकलीफ हो गई हो वो पता कर ले। तो एक लीटर बनेगा अपॉन 22.4, तो 11.2 बनेगा मल्टीप्लाइड बाई 11.2, तो आधा ही तो आएगा ना। नहीं तो कहते सर ये कैसे कर दिया आपने, ये सबने समझा कि नहीं? अबे 22.4 लीटर बनता है इसके एक मोल से, तो इसका आधा इसके कितने से बनेगा? इसके आधे से, और मुझे आधे की ही जरूरत है। नहीं समझा? ठीक है, अब आगे जरा देखिए। आधे मोल यानी कि आधा मोल उसमें क्या होना चाहिए? मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है? 84। तो आधा मोल का मतलब कितना ग्राम? आधा इंटू 84, तो ये कितना आ गया? 42। यानी उस 500 ग्राम में 42 ग्राम है, तो 42 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 48 524। बोलो परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ गई? 8.4%। आई बात समझ में? पक्का? कौन सा ये? ये ये मोल मालूम चल गया, मास पता करना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मोलर मास कितना गया? 42। यानी 500 ग्राम में सिर्फ 42 ग्राम है कौन? मैग्नीशियम कार्बोनेट। तभी तो सिर्फ 11.2 लीटर दे रहा है। बोलो। नहीं समझा? अरे लाला बिहारी इधर देखो जरा, अगर पूरा 500 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट होता तो 500 डिवाइड बाई 84 इतने मोल हो जाते कि नहीं? ये लगभग कितना आएगा? 8×5=40, 8×6=48, 6×6=24, नहीं 6 बार तो नहीं जाएगा, ये लगभग 5 बार जाएगा, 5 मोल के आसपास आता। बोलो। और तुम जरा देखो, इसके एक से इसका एक बनता, इसके 5 से इसका 5 बनता, इसका 5 मोल बनता, इसके कितने हो जाते? 5×22.4 लीटर हो जाते ना। लेकिन वो कह रहा है कि ये सिर्फ 11.2 ले रहा है, यानी इसका मतलब ये पूरा का पूरा मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब पता लगाना पड़ेगा ना कि इसमें कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट है, वो हम इसी कार्बन डाइऑक्साइड की बदौलत पता लगा लेंगे। तो पता लगा लिया हमने यूनिट रिंग लॉ लगा करके, 42 ग्राम है, तो 500 में 42 तो कितना परसेंट? 42 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 100। नहीं समझा? समझा। पक्का ना? छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बेसिक्स वाली बातें हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, वो भी देख लो। मिनिमम मोलर मास क्या? मिनिमम मोलर मास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे पूछेगा, कहेगा एक कंपाउंड है एक्स जिसमें 5% सोडियम मौजूद है, क्या कहेगा? तो कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास बताओ। क्या बताओ? कम से कम उसका मोलर मास कितना हो सकता है? तो देखना गौर पूर्वक सुनना, 5% सोडियम का मतलब है कि 100 ग्राम एक्स में 5 ग्राम सोडियम है। बोलो। हाँ, पक्का? तो मिनिमम मोलर मास के लिए, अब यही सुनना ध्यान से,
प्रति मॉलिक्यूल कम से कम सोडियम होना चाहिए है? तो कुछ बोलोगे? हाँ। मिनिमम मोलर मास के लिए प्रति मॉलिक्यूल कम से कम सोडियम होना चाहिए। हाँ। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा तो मैक्सिमम मोलर मास आ जाएगा। हाँ। अब कम से कम सोडियम कितना होगा? जीरो। अब जीरो मतलब कुछ नहीं है। हाँ। सोडियम तो 5% है ना। हाँ। तो जीरो नहीं मान सकते हो। तो आधा सोडियम हो सकता है कहीं, तुमने देखा डेढ़ सोडियम चलता होगा, आधा सोडियम देखा कहीं? कम से कम कितना सोडियम होगा? एक। ये बात खोपड़े में गई नहीं गई? हाँ। फिर से सुन लो, हमें बहुत प्यारा क्वेश्चन मिलेगा ये कि हमें परसेंटेज दिया रहेगा और मिनिमम मोलर मास पूछेगा। तो मिनिमम मोलर मास अगर निकालना है तो इसको थोड़ा ऑन करो। मिनिमम मोलर मास के लिए प्रति मॉलिक्यूल कम से कम होना चाहिए सोडियम, और कम से कम सोडियम एक हो सकता है, बोलो, क्योंकि आधा सोडियम तो हो नहीं सकता। तो अगर प्रति मॉलिक्यूल एक होगा तो प्रति मोल एक मोल नहीं हो जाएगा है? पक्का ना? अबे एक मॉलिक्यूल कोई चीज एक है तो एक मोल में एक मोल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब जो गौर से देखना, तो 5 ग्राम सोडियम इतने में, तो 1 ग्राम कितने में होगा? 100/5 ग्राम एक्स में। अब मिनिमम मोलर मास के लिए प्रति मोल एक मोल सोडियम होना चाहिए, या मैं बोलूं प्रति मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल होना चाहिए? हाँ। ये दोनों बात समझ में आ रही है? हाँ। दिन दिमाग में और कोई विचार रखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये प्रति मोल यानी कि 23 ग्राम ना। हाँ। क्योंकि एक मोल सोडियम का मास कितना होता है? तो 23 ग्राम सोडियम कितने में होगा? 100/5 × 23। ये कितना आ गया? 2300/5, 5 × 20, 3 × 23, 5 × 36। मिनिमम मोलर मास 460 ग्राम। नहीं, गलत किया गया? नहीं, ठीक। मिनिमम मोलर मास कितना है? 460 ग्राम। अब इसमें अंडबंड बहुत पूछेगा कि कैफीन है, भैफीन है, उसमें इतना परसेंट आयरन है, तो मिनिमम मोलर मास बताओ। सबके पीछे का लॉजिक एक है। फिर से सुनो, अगर सोडियम की वजह से एक्स का मास डिसाइड करना है और मुझे इसका मिनिमम मोलर मास चाहिए, तो प्रति मॉलिक्यूल एक सोडियम चाहिए। हाँ। तो 2 मॉलिक्यूल पे 2 सोडियम, 3 मॉलिक्यूल पे 6.023 × 10^23 मॉलिक्यूल पे एक मोल पे एक मोल सोडियम हो कि नहीं? अब फिर से सुनना, एक्स की वह मात्रा जिसमें 23 ग्राम सोडियम हो वही उसका मिनिमम मोलर मास होगा। That amount of X which contains 23 gram of sodium will be its minimum molar mass, because the meaning of 23 gram of sodium is nothing but 1 mole of sodium. And to calculate minimum molar mass per molecule, yeah, per mole, 1 mole sodium should exist. Hmm? चक्कर आ गया? नहीं समझा? अन्ना समझ में आए तो रेड डालो। यहाँ सबके मोलर मास से निकालना पड़ेगा। सोडियम है ना 23, मैग्नीशियम होता है 24, आयरन होता है 56। समझे क्या? नहीं समझे? पक्का? क्वेश्चन देगा ऐसे, तुम्हें लगेगा तुम्हें आता नहीं, जब कोई एक लाइन का होगा। समझे क्या? ऐसे कह देगा कि हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट है 2%, तो उसका मिनिमम मोलर मास बताओ। तो सिंपल लॉजिक जैसे पीछे मैंने किया, बोलो। हाँ। कोई कंपाउंड है Y, उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट है 12%, तो उसका मिनिमम मोलर मास बताओ। तो हर तरह से वैसे ही काम करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अभी ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर था, कल हम लोग बात करेंगे किसकी? लिमिटिंग रिएजेंट की। अगर आपने लेक्चर मिस किया तो बड़ी तकलीफ होगी, ठीक है? तो कोई लेक्चर मिस मत करिएगा, आज के लिए तब पर्याप्त है। थैंक यू।